Member Sri Vishambar Prasad Nishad. धन्यवाद चेयरमैन सर. मैं बधाई देता हूं अपने पार्टी के नेता आदरणीय पवन साहब को और चीफ व्हिप अपने आदरणीय नरेश अग्रवाल जी को. उन्होंने हमें संबित विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापना को छूट संशोधन विधेयक 2011 में बोलने का मौका दिया है. मैंने इस विधेयक को पढ़ा है मानवत. इसमें हमें पूरे विधेयक में कहीं मजदूर का हित मिला ही नहीं. मिस्त्री साहब ने सही कहा था कि इसमें जो मिल मालिक हैं, छोटे कारखाने वाले हैं, उन लोगों ने संगठित करके एक प्रारूप बनाया कि उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बना है. क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, गांव का देश है. गांव में संख्या बस्ती है 125 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं. गांव में जो मजदूर बसता है वो शहर में काम करने जाता. हम तो देखते हैं जो बड़े बड़े शहरों में काम करने वाला मजदूर है उसका रजिस्टर में तो नाम पता रहता ही नहीं. नाम दूसरे के भरे जाते हैं, उसका हित तो होता ही नहीं. अगर कोई दुर्घटना कोई बात होती है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता है. इस विधेयक में इन्होंने पूरे सभी 16 इन्होंने जो बनाए हैं, जो कानून बने हैं, उनमें सभी को कवरेज कर दिया. मजदूर संदा अधिनियम से लगा के साप्ताहिक अवकाश दिन, न्यूनतम मजदूरी, कारखाना, बागान, समझी मोटर, तो सभी बीड़ी से लगाकर ठेका सम से लगा कर सभी कर दिए. हम देखते हैं जो रोड में काम करने वाला मजदूर है, महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चे वहीं बैठे हैं, खेल रहे हैं, वाहन आया, बच्चे दब जाते हैं. छोटे बच्चों के ना पढ़ाई लिखाई के इंजाम है, उनके पानी पीने का इंजाम है, न कोई चिकित्सा का इंजाम है. इसके लिए इस विधेयक में इंजाम व्यवस्था करनी चाहिए था. इसमें तो केवल इन्होंने ठेकेदारों के हित, व्यापारियों के हित के लिए कानून बनाया है. मैं इसका विरोध करता हूं. ये कानून 2011 में बना था तो हमें तो लगता है कि 2011 में जो सरकार थी उन्हीं का ये अनुसरण कर रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं. हमारे मजदूरों ने, देश के मजदूरों ने सोचा था कि ये नई गवर्नमेंट आ रही है, शायद कुछ अच्छा काम करेगी. तो हमें नहीं लगता कि ये केवल बातें ज्यादा करते हैं, काम आज तक अभी कुछ नहीं हुआ. जो इन्होंने कानून बनाया इसमें कहीं ये इंजाम नहीं है कि शिशु गृह का इंजाम रहेगा कि नहीं रहेगा, शौचालय का इंजाम नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा. जो ओवर टाइम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए यातायात, खासतौर महिलाओं के लिए जो देर रात तक काम कराते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन रहेगा कि नहीं रहेगा. हमारे तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ देर रात तक काम कराते हैं, उनको आने जाने की कोई व्यवस्था के बारे में कोई इसमें चर्चा नहीं है. ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर हैं, जो ठेकेदार है वो शोषण करता है, उसका कहीं एनरोलमेंट नहीं होता है. मनरेगा जो चल रही है उसमें 100 दिन रोजगार गारंटी दी गई है. जो मजदूर ट्रेडिशनल है, काम करने वाला है, वो तो लगातार काम कर रहा है और नाम किसी का भरा जा रहा है. अगर कोई घटना होती है तो उसको लाभ नहीं मिलता है, उसी में परेशानी होती है उन मजदूरों को. मैंने अभी हमारे क्षेत्र में बांदा में एक बहन गुजरात से, सूरत से आई, उसमें डेड बॉडी थी. पता चला कि एक मजदूर जो है लोहे में काम करता था, मजदूर खत्म हो गया, उसके मालिक ने चुपचाप उसके ठेकेदार को उसमें डेड बॉडी को पैक कर उसको घर भिजवा दिया. उन्होंने कहा भाई ये कैसे मर गया, कहाँ है वो, तो वहाँ से कूद गया तो मर गया. तो ऐसे ऐसे मजदूरों का इसमें कोई जिक्र नहीं है कि उनके लिए क्या हित होगा. इसमें तो इन्होंने केवल ठेकेदारों के, उन व्यापारियों के हित के लिए बनाया है. मास्टर रोल जो बनते हैं आज भी, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट के विभाग हैं उनमें मास्टर रोल बनते हैं,
हाथ पैर का अंगूठा लगा करके नाम किसी का भर करके पैसा निकाल लिया जाता है। एक्चुअल मजदूर जो काम करने वाला है उसका कहीं नाम नहीं रहता, उसको कोई लाभ नहीं होता है। उनका इसमें अगर जिक्र होता तो हम बधाई देते सरकार को, लेकिन ये सरकार मजदूर विरोधी है। माननीय हमारे मंत्री जी जो हैं अभी, चूंकि श्रम विभाग इनको मिला है, मैं बधाई देता हूँ इनको। ये पिछड़े वर्ग कल्याण हमारे ओबीसी कमेटी के चेयरमैन थे, तो अगर माननीय मंत्री जी इसमें ले आते कि पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण के जिक्र कर देते उसमें कि पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण होगा मजदूरों का, उसमें इतने मजदूर पिछड़े वर्ग के रखे जाएंगे, एससी के रखे जाएंगे मजदूर, इसके कानून का जिक्र कर देते तो हम मानते कि नहीं मंत्री जी लगता है कि कुछ करने वाले हैं। लेकिन मंत्री जी मजबूर हैं, क्या करें, जो उनकी गवर्नमेंट जो उनके लोग कह रहे हैं वही पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें आज शहर में देखने में मिलता है कचरा बीनने वाले छोटे छोटे बच्चे महिलाएं घूमते रहते, उनका भी एक संगठित गिरोह होता है। जो ठेकेदार होते हैं उनसे काम कराते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं, उसका भी गिरोह होता है। 100-200 छोटे छोटे बच्चों से महिलाओं से भिक्षा मंगवाते हैं, शाम को उनसे वसूली करते हैं। तो ऐसे कड़े कानून तमाम कानून बने हैं, वो इससे बच जाएंगे। इसके लिए भी कुछ सख्ती के लिए इसमें कुछ रखना चाहिए था। और माननीय मंत्री जी ने जो इसमें बताया है केवल 2011 का बना बनाया कानून है, उसी को रिपीट करने का काम किया है। तो माननीय मंत्री से हम कहेंगे मंत्री जी इसको तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिए, फिर से इसको वापस कर दीजिए और मजदूरों के हित के लिए कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे कि गरीब जो गांव में बसने वाला गरीब है, जो मजदूरी करता है, चाहे रोड में काम करने वाला होता है, भट्टे में काम करने वाला होता है, किसी बिल्डिंग में काम करने वाला होता है, मिल कारखाने में काम करने वाला हो, उसका इंश्योरेंस रहे, कुछ उसका बीमा रहे। मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने ट्रैक्टर से दुर्घटना बीमा किसानों के लिए लागू किया। 5 लाख अगर कोई भी, चाहे एक भी सौ जमीन अगर उससे कोई घटना होती है, चाहे जहरीला कोई सांप बिच्छू काट ले, तो 5 लाख उसको मिलेगा। ऐसा इसमें कानून की व्यवस्था होना चाहिए था कि अगर कोई मजदूर खत्म हो जाता है तो उसके लिए क्या मिलेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं इस कानून का जो है विरोध करता हूँ और माननीय मंत्री जी कहें कि इसको वापस कर दे, इसको पास ना होने दे। और ओबीसी के चूंकि आप चेयर कमेटी के चेयरमैन रहे, इसमें आरक्षण की जरूर व्यवस्था करा दें। धन्यवाद।